जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले सिलेबस लिखाया था जीके का, कुछ टॉपिक्स लिखाए थे 30-40। मैंने कहा सभी याद कर लेना, यही आपके टॉपिक्स, इसमें से अगर सभी नहीं तो आधे टॉपिक्स तो आएंगे, मतलब 20-20 क्वेश्चन कहीं नहीं जा रहे थे उसमें से, और कुछ एक्स्ट्रा जो मैं टॉपिक करा रहा था, तो आपके 25-30 क्वेश्चन आसानी से हो जाते। मैं वही टॉपिक किसी की बात कर रहा हूँ, अगर जिसने वो वीडियो ना देखी तो जाओ यूपीपी सिलेबस प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, और जीके हिंदी मैथ रीजनिंग सभी का सिलेबस वहाँ पे अवेलेबल है, आराम से देख लो किस टॉपिक से क्वेश्चन कितने आते हैं, ये पूरा लिखा है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। अब ध्यान से सुनो दोस्तों, मैंने सामान्य जीके 38 क्वेश्चन का देखो एक बना रखा था, जो कि कुछ दिन पहले बनाया था, अगर आप लोग देख सकते हो तो मैंने आपको ऑलरेडी लिखा दिया, वीडियो में दिखाया भी है पूरा, तो अभी मैं इसमें से एक दो क्वेश्चन पूछूंगा आपको, देखें आपकी तैयारी कितनी ज्यादा है। सबसे पहली बात तो अप्रस्थता का अंत, अप्रस्थता का अंत कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 15, 16, 17, 18। आपके पास चार ऑप्शन है, मुझे कमेंट में बताना, और एक ही कमेंट करना, सभी आंसर एक ही में बताना, ठीक है? अब आपको मैंने एक अनुच्छेद का क्वेश्चन पूछा है, अब आपको क्या करना है कि अनुच्छेद जितने भी हैं, मेहनत है मुझे पता है, मेहनत लगेगी, 1 से 50 तक 100% याद करना है आपके लिए, उसके बाद 1 से 52 तक, क्योंकि 36 से 52 आपको पता है, 1 से 52 तक आपको बिल्कुल अच्छे से याद करना है, और 52 के बाद आपको मेन मेन याद करने हैं, ठीक है? अनुच्छेद याद हो गए अब आपके लिए, अनुच्छेद इसका आंसर कमेंट में बताना है। और दूसरा है, सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? भारत की जनसंख्या के जितने संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ जनसंख्या कम है, कहाँ ज्यादा है, कहाँ जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, कहाँ जनसंख्या घनत्व कम है, ये चीज के टॉपिक मुझे पूरा का पूरा क्लियर चाहिए आपसे लोगों से, ठीक है ना? दो क्वेश्चन आपके हो गए, कमेंट में ही बताएं मुझे। उत्तर प्रदेश विशिष्ट, यानी कि उत्तर प्रदेश से विशिष्ट जो 6 क्वेश्चन आएंगे, कह सकते हैं हम लोग कि ऐसे पूछे जाएंगे कि नीरज चोपड़ा किस राज्य से है, हो सक यही मतलब कि पूछ लिया जा सकता है, ठीक है ना? हालांकि हरियाणा से हैं, अब जो आप लोगों के उत्तर प्रदेश से संबंधित कौन कौन से हैं तो मैं अभी बता रहा हूँ आपके लिए, टेंशन ना लो। उत्तर प्रदेश संबंधित जैसे कोई कवि हो गया, समझ रहे हो, कोई कवि पूछ लिया उत्तर प्रदेश का कवि हो, या कोई उत्तर प्रदेश का खिलाड़ी हो, या इस तरह से उत्तर प्रदेश विशिष्ट, यानी उत्तर प्रदेश से संबंधित, उत्तर प्रदेश का पक्षी कौन सा है, उत्तर प्रदेश में कहाँ क्या है, ये चीज पूछता है, ठीक है? अधिकतर 6 क्वेश्चन आएंगे। मानवाधिकार आयोग आएगा, मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई ये मुझे बताना आपको कमेंट में। साइबर क्राइम पुरस्कार और सम्मान आएगा, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है बताना दोस्तों कमेंट में। धनवंतरी सम्मान किस से संबंधित है, धनवंतरी जान रहे हो, धनवंतरी सम्मान ये आया हुआ क्वेश्चन है, धनवंतरी सम्मान, धनवंतरी सम्मान किस राज्य किस खेल से संबंधित है या किस क्षेत्र से संबंधित है। दिवस पूछा जाएगा, दिवस सभी लोग जान रहे हो, नहीं दिवस तो अधिकतर लोग जान ही रहे होगे, ना जान रहे हो तो क्लियर याद कर लो, देश मुद्रा राजधानी मैंने उस दिन बताई दी थी, और दिवस और याद कर लो, है ना? जैसे कि 5 जून किस दिवस के लिए, 5 जून को कौन सा दिन मनाया जाता है, ठीक है? इस तरह से आप लोग याद करना है आपको, देश मुद्रा राजधानी आप लोगों को ऑलरेडी बता ही चुका हूं मैं। अनुसंधान, कृषि अनुसंधान कहाँ है, कृषि अनुसंधान, ठीक है? पुस्तक और लेखक एक क्वेश्चन आएगा, सोशल मीडिया एक क्वेश्चन आएगा, बीमारी से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, कि टाइफाइड किसे बीमारी से होता है, मतलब कि किससे कौन सा जीवाणु, ऐसे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं बीमारी से संबंधित। अभी पढ़ाऊंगा मकबरा, मैंने कहा था ना मकबरा जरूर याद करना, मकबरा बार बार पूछा जा रहा है, मकबरा नृत्य बार बार पूछे जा रहे हैं। अनाज में टॉप राज्य जो आपको बता ही चुका हूँ, अनाज में जैसे कि चावल, सर्वाधिक चावल की खेती कहाँ होती है, गन्ने की सर्वाधिक खेती कहाँ होती है, समझ रहे हो, चावल गन्ने आम की खेती सर्वाधिक कहाँ होती है, मैंने ट्रिक भी बताई थी, AMGG, अगर जिसको जिसको याद हो AMGG की फुल फॉर्म कमेंट मुझे बताना, ठीक है? ब्यूरो के निर्देशक, ब्यूरो के निदेशक, ठीक है ना? शिखर सम्मेलन जितने हुए हैं अब तक, बहुत से क्वेश्चन है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, करंट अफेयर्स के 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 से 4, तो बिल्कुल आप लोग ढिलाई मत देना, सब कुछ XYZ तैयार करना, अपने जीके के 38 के 38 क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। देखो सामान्य विज्ञान से 3-4 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायोलॉजी का होगा। भारत का इतिहास से 3 क्वेश्चन आएंगे, यानी हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन आते हैं। संविधान से 4 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 2-3 अनुच्छेद आपको मिलेंगे, 2-3 क्वेश्चन अनुच्छेद से मिलेंगे, ठीक है ना? भारतीय अर्थव्यवस्था 2 क्वेश्चन आएंगे, बोले तो नृत्य भी इसमें पूछा जाता है। भारतीय कृषि 1 क्वेश्चन, जनसंख्या 1 क्वेश्चन, भूगोल 2 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश विशिष्ट यानी उत्तर प्रदेश के बारे में 6 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा 1 क्वेश्चन, मानवाधिकार 1 क्वेश्चन, भारत और पड़ोसी देश से संबंध, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी जलधारा बहती है, ऐसे करके, ठीक है ना, 1 क्वेश्चन,
करंट अफेयर्स 3 क्वेश्चन, साइबर क्राइम 1 क्वेश्चन, पुरस्कार और सम्मान 1 क्वेश्चन, वस्तुकार सेवाघर 1 क्वेश्चन, दिवस 1 क्वेश्चन, देश मुद्रा राजधानी 1 से 2 क्वेश्चन, अनुसंधान 1 क्वेश्चन, पुरस्कार और लेखक, पुस्तक और लेखक सॉरी 1 क्वेश्चन, सोशल मीडिया 1 क्वेश्चन, और फैक्ट क्या है, बीमारी से क्वेश्चन आता है, ब्यूरो के निदेशक 1 क्वेश्चन आ सकता है, मकबरा 1 क्वेश्चन आएगा, शिखर सम्मेलन 1 क्वेश्चन आएगा। तो ये रहे आपके जीके के फैक्ट्स, ठीक है ना। जीके आप लोग समझ गए होंगे, और जिसने अभी तक ना देखे तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से लिख लिख के समझाया है कि कौन कौन से जीके के टॉपिक्स आएंगे, प्लेलिस्ट में वीडियो देख लेना, और बाकी जो मैंने आज क्वेश्चन जितने किए हैं प्रैक्टिस करना, जो भूल गया वो प्रैक्टिस करना, और जिनको पता है वो कमेंट में आंसर देना। और दोस्तों बस तैयारी करे रहो, इस बार मेहनत से करना है तैयारी, वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, और वैकेंसी आएगी फॉर्म भी डालोगे आप सभी, मुझे पता है फॉर्म, इसीलिए आप लोग तैयारी कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो फॉर्म डालने के लिए। अब ऐसा ना हो फॉर्म डाल दिया बस और फिर वैकेंसी आई चली भी गई, आपका कुछ नहीं हो पाया, ये चीज़ बहुत आपको दिक्कत देगी, याद रखना, बार बार आप लोग पछताओगे, पूरी लाइफ पछताओगे अगर इस बार नहीं हुआ। फिलहाल अभी टेंशन ना लो, आप लोग तैयारी अच्छे से करो, ठीक है दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं, जय हिंद। हाँ, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना, दोस्तों का शेयर जरूर कर लिया करो कि उनको भी पता चले कि राजयू पे भी जो भी एक चैनल है जो ऐसी बातें बताते रहते हैं, ठीक है ना। और चैनल नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद दोस्तों।